एलिमिनेटर मैच में लखनऊ के खिलाफ अकेले दम पर 5 विकेट लेकर आकाश मधवाल ने जिताया मुकाबला। तो उत्तराखंड के इस खिलाड़ी के परिवार की दशा देखकर नीता अम्बानी भी हो गई भावुक। तो इनाम के तौर पर रातों रात इतने करोड़ रुपए देकर किया माला माल की जानकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर नीता अम्बानी ने कैसे आकाश मधवाल की जिंदगी पलट कर रख दी एक रात में, वो तो आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आकाश मधवाल को बुमराह जैसा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आकाश मधवाल, बुमराह और शमी में से कौन अच्छा गेंदबाज है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है, जहां चेन्नई के चिपकी स्टेडियम में टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 101 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हालांकि आकाश मधवाल ने यहां 5 विकेट चटकाकर लखनऊ की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का कार्य किया। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत खराब रही थी, जहां पहली विकेट 12 के स्कोर पर उनका गिरा और इस बीच प्रेरक माकड़ आउट हुए। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा मार्कस स्टोइनिस ने रन बनाए, जहां स्टोइनिस ने 40 रन बनाकर वो दीपक हुडा द्वारा रन आउट किए गए और टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं सके। यहां पर मुंबई की तरफ से आकाश मधवाल ने 4 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने आकाश मधवाल ने सभी के दिलों को तो जीत ही लिया। लेकिन आपको हम बता दें कि आकाश मधवाल की अगर आप आईपीएल की सैलरी देखोगे तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने आकाश मधवाल जैसे हीरे और कोहिनूर खिलाड़ी को महज 20 लाख रुपए में खरीदा है। और दोस्तों 20 लाख रुपए में बिक जाने के बाद भी आकाश मधवाल ने यहाँ ऐसी गेंदबाजी करवाई है जो कि 16 करोड़ के गेंदबाज भी नहीं कर पाए। और दोस्तों मुंबई की टीम ने इस बात का फायदा उठाते हुए आकाश मधवाल को इसीलिए आईपीएल के ऑक्शन के बाद 20 लाख रुपए में लेने का फैसला किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश मधवाल एक मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से आते हैं। जब फैमिली स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी आकाश मधवाल ने अपने गेम पर फोकस किया और वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाने में कड़ी मेहनत के बाद कामयाब हो पाए हैं। और दोस्तों जैसे ही नीता अम्बानी को पता चला और उन्होंने तुरंत बड़ा ऐलान कर डाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीता अम्बानी जी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जब हमने आकाश को लिया था तब हमने यही सोचा था कि हम आकाश मधवाल को बेंच खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आकाश से हम गेंदबाजी करवाएंगे, लेकिन जब हमने जोफ्रा आर्चर को बाहर किया तो हमारे पास कोई विकल्प अच्छे बचे नहीं। एक बार नेट में गेंदबाजी करवाते वक्त रोहित ने पाया कि आकाश मधवाल की गेंद में कुछ दम तो है, इसलिए उनको पहला मौका हमने दिया और उस एक मौके के बाद आकाश मधवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उसने लगातार अच्छी गेंदबाजी करवाई है जिसकी वजह से आज हमारी टीम एलिमिनेटर मैच जीतकर दूसरे क्वालिफायर में पहुंच चुकी है। अब हम आशा करते हैं कि आगे भी फाइनल तक का सफर हम तय करेंगे, लेकिन तारीफ तो हमें सबसे ज्यादा आकाश मधवाल की करनी चाहिए। और जब मुझे पता चला कि आकाश मधवाल के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है और एक गरीब परिवार से आकाश मधवाल बिलोंग करते हैं, तभी मैंने ठान लिया था कि उनके लिए कुछ करना हमें चाहिए। इसीलिए इस मुकाबले को जिताने के तौर पर आकाश मधवाल को मेरी तरफ से करोड़ों के इनाम का मैं ऐलान करती हूँ। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर नीता अम्बानी ने आकाश मधवाल को खुद अपने हाथों से चेक थमाया। हालांकि दोस्तों कयास और सूत्र ये बता रहे हैं कि नीता अम्बानी ने जो आकाश मधवाल को पैसे दिए हैं वो लगभग 10 से 100 करोड़ के बीच में हो सकते हैं, जहाँ आकाश मधवाल की स्थिति में अब सुधार आएगा और आकाश मधवाल जरूर और भी अच्छा प्रदर्शन अब कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर परिवार की स्थिति को सुधार देने के बाद नीता अम्बानी ने ये भी कहा कि इस साल भले आकाश मधवाल 20 लाख रुपए में बिके हैं, लेकिन अगली साल आकाश मधवाल को हम सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आकाश मधवाल ने तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल अपनी गेंदबाजी से तो जीता ही था, लेकिन नीता अम्बानी ने यह कार्य कर भी दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि नीता अम्बानी ने जो किया है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।